एपिसोड नंबर 56 56। एक पूरी आयु जी चुकने के बाद भी मनुष्य को विषय वासनाओं से विरक्ति नहीं होती। इसी तथ्य की प्रतीति होने पर मनु को वैराग्य की प्रेरणा मिली थी। 6000 वर्षों तक मात्र जल का आहार, फिर 7000 वर्षों तक वायु का आधार और अंत में 10000 वर्षों तक वायु तक के बिना तपस्या करते न करते ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश ने कई बार उन्हें दर्शन देकर वरदान मांगने का परामर्श दिया, किंतु मनु दंपति किसी के डिगाए नहीं डिगे। अंततोगत्वा सर्वज्ञ प्रभु की परम गंभीर अमृतसनी वाणी सुनाई पड़ी, वर मांगो। कानों में अमृतसरी की ये गूंज सुनकर मनु बोले, हे अनाथों का कल्याण करने वाले, यदि हम लोगों पर आपका स्नेह है तो प्रसन्न होकर ये वर दीजिए कि आपका जो स्वरूप भगवान शिव के मन में बसता है, सगुण और निर्गुण कहकर वेद जिसकी प्रशंसा करते हैं, हम उसी रूप को जी भर कर देख सकें। मनु दंपति के कोमल, विनययुक्त और प्रेम पगे वचन भगवान को अत्यंत प्रिय लगे और वो उनके सम्मुख प्रकट हो गए। शोभा के सागर भगवान का ये रूप देखकर मनु तथा शत्रुपा के नेत्र अपलक एकटक खुले के खुले रह गए। श्रवण सुधा सम वचन सुने पुलक प्रफुल्लित गा बोले मनु कर दंडवत प्रेम न हृदय समात सुनु सेवक सुरतरु सुर धेनु विधि हरि हर पंडित पद रेनु सेवत सुलभ सकल सुखदायक प्रणत पाल सचराचर नायक जो अनाथ हित हम पर ने हो तो प्रसन्न होई यह बर दे जो स्वरूप बस शिव मन माहे जेहि कारण मुनि जतन कराही जो भुसुंडी मन मानस हंसा सगुन अगुन जेहि निगम प्रशंसा देख ही हम स्वरूप भरि लोचन कृपा करहु प्रण तारति मोचन दंपति बचन परम प्रिय लागे मृदुल विनीत प्रेम रस पागे भगत बचल प्रभु कृपा निधाना विश्वास प्रग के भगवाना नील सरोरु नील मणि
नील नीरधर श्याम लाजहि तन शोभानि रखि कोटि कोटि सत्काम। शरद मयंक बदन छवि सीवा चारु कपोल चिबुक दर ग्रीवा अधर अरुण रद सुंदर नासा विधुकर निकर विनिंदक हासा नव अंबुज अंबक छवि नीकी चितवनि ललित भावंती जी की भ्रिकुटि मनोज चाप छवि हारी तिलक ललाट पटल दुतिकारी कुंडल मकर मुकुट सिर भाजा कुटिल केस जनु मधुप समाजा उरसी बत्स रुचिर बन माला पदिक हार भूषण मणि जाला के हरि कंधर चारु जनेऊ बाहु विभूषण सुंदर देऊ करिकर सरिस सुभग भुज दंडा कटि निशंग कर सर को दंडा। तड़ित विनिंदक पीत पट उदर रेख भरती नाभि मनोहर लेति जनु जमुना भवर छवि छीनि पद राजीव बरनि नहीं जाही मुनि मन मधुप बसही जिन माही भाग सोभति अनुकूला आदि शक्ति छवि निधि जग मूला जासु अंश उपजहि गुण खानी अगणित लक्ष्युमा ब्रह्म भिकुटि बिलास जासु जग होई राम बाम दिसि सीता सोई छवि समुद्र हरि रूप बिलो की एक टक रहे नयन पट दो की चित वही सादर रूप अनुपा तृप्ति न मान ही मानु सत रूपा हर्ष बिबस तन दशा भुलानी परे दंड इव गहि पद पानी सिर पर से प्रभु निज कर कंजा तुरत उठाए